डिस्कस कर लिया करेंगे। ये बिल्कुल ठीक है भाई, ये बिल्कुल ठीक है। शाम का वक्त मैं कहता हूँ बेहतरीन है, बस दिन में तो कमबख्त कोई ना कोई डिस्टरबेंस होता ही रहता है, लेकिन शाम को कोई नहीं होगा, बस तुम होंगी, मैं होऊंगा और स्क्रिप्ट होगी। जी ठीक है, है ना। ओहो, ये पता नहीं किस कमबख्त के पेट में दर्द उठा है। अच्छा चले मिर्जा साहब, आप फोन अटेंड करें, फिर मुलाकात होती है। नहीं नहीं, जा रही हो जी? अरे चले ठीक है। हेलो, एक मिनट। हेलो जी, मैं मिर्जा ही बोल रहा हूँ, इंतकाल शुदा। दुनिया मुकुतिरा सजरी सवेरे तेरा मेरा मिलना। आओ 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 नरगिस खान जी, आप आ रही थी, ऐसे लग रहा था नरगिसी कोफ्ते आ रहे हैं, तशरीफ रखे ना जी। नरगिस खान जी, आप मेरे इस चैनल पे तशरीफ लाई हैं, अगर आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, मसला हो, तो मैं चैनल का मालिक हूँ, आप मुझसे हुक्म कीजिएगा। पहले तो ये बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इस चैनल का हिस्सा हूँ, जहाँ लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं और मुझे खुली फ्रीडम मिलती है। तुमको जितनी आजादी चाहिए मिलेगी, अगर तुम्हें किसी ने परेशान करने की कोशिश की फौरन मुझे बोलना, मैं चैनल का मालिक हूँ। नहीं जी, नरगिस खान ऐसी शख्सियत है कि उसे किसी की शिकायत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बहरहाल कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे खिलाफ महज बना लेते हैं और मैनेजमेंट से मेरी शिकायत करते हैं। देख, मैं किसी की भी तेरे बारे में शिकायत नहीं सुनूंगा, लेकिन एक बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। क्या बात करनी? वो हमारे चैनल पे एक टेडी बियर, मेरा मतलब के रुखसाना नाम के एक हो रहे थे, सबकी ये इन कामों का लोगों को जब पंगा कर लेती है, उसका ख्याल रखना। अगर आप कहते हैं तो ख्याल रखूंगी, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और एक और आदमी, उसका नाम है शाहरुख मिर्जा, बंदा ठीक है, बस ये भी काम का गुस्सा दिखाता फिरता है। उसने जिस दिन आपको गुस्सा दिखाया, आप मुझे बताना, मैं चैनल का मालिक हूँ, मैं संभाल लूंगा उसको। वो तो बहुत अच्छे इंसान है, मगर फिर भी मैं उनका ख्याल रखूंगी। उसका नहीं, मेरा। आप चाय कॉफी कुछ पसंद फरमाएंगे? नहीं नहीं, मेरे मतलब मैं चैनल का मालिक हूँ ना, तो ख्याल रखना तो बहुत जरूरी। अच्छा आप बताएं, क्या आप सैंडविच खाना पसंद करेंगे या सबवे का वो सलाद? आई वांट अ डाइट, सलाद विल डू। साथी नरगिस, ये शाहीन है, यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, डिबेटर है, बहुत अच्छा बोलती है। वेरी नाइस। आपको अफशीन ने शो के बारे में बता दिया? जी जी, मुझे बिल्कुल बता दिया है। मैं कल आपके शो में गेस्ट हूँ और मुझे अपने सामने बैठे हुए बुजुर्ग से बदतमीजी करनी है, जैसे कि ऐसे शोज में होता है। नहीं नहीं, लड़ना नहीं है बल्कि डिस्कशन करना है, गुफ्तगू करनी है, एक एक बड़े तमीजदार अच्छी गुफ्तगू करनी है उनके साथ। ओके मैडम, जैसा आप बोलेंगी मैं वैसा ही बोलूंगी। वैसे मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता किसी बुजुर्ग से बदतमीजी करते हुए। वेरी गुड, तुम ऐसे पढ़ी लिखी लड़की लगती हो। अब ऐसे भी बुजुर्गों से लड़ना अच्छी बात नहीं होती। अच्छा जरा ऑडिशन करो, जरा दिखाओ कि तुम लेट्स सपोज अफशीन है और तुम हो, जरा एक डिस्कशन करो, क्यूज दो। ओके नरगिस, देखो ना नरगिस बेटा, कि आजकल की बच्चियां यूनिवर्सिटी से क्या पहुंच जाती हैं, चार किताबें क्या पढ़ लेती हैं, इनके दिमाग खराब हो जाते हैं, समझती है इन्हीं को दुनिया के बारे में पता है, यही सब कुछ जानती है। अरे हम तो बेवकूफ हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है, हम लोग ऐसा नहीं सोचते। जाहिर है आप लोग ने दुनिया देखी है और आप लोगों को ज्यादा तजुर्बा है, मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि अब जमाना बदल गया है, हम लोग चाहें भी तो। वेरी गुड, देखो शाहीन, हर इंसान को हक तो होता है कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे, मगर इस चक्कर में दूसरों की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहिए। अफशीन, तुम इसको एज अ गेस्ट कल लॉक कर लो, शी विल डू वेल। जी नरगिस, सेलेक्ट तो मैंने पहले ही कर चुकी थी, बस मैं सोच रही थी कि एक दफा आप देख लें, ओके कर दें।
Brilliant. जी कौन सी खास खबर है इस अखबार में? हाँ शाहरुख, वही स्कैंडल जो आजकल हर चैनल पे डिस्कस किया जा रहा है। रिजवान नगर, कोई रिजवान साहब है अचानक से मार्केट में आ गए और एक प्राइवेट हाउसिंग स्कीम, एक बड़ा नाम लेकर लोगों के लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठे किए और गायब हो गए। पता नहीं कहाँ चले गए, कोई व्हेयरबाउट्स नहीं है। बड़े बड़े स्कैंडल चल रहे हैं, वैसे ये भी एक छोटा सा स्कैंडल है। हमारे मीडिया का मसला ये है कि अपने टॉक शोज का पेट भरने के लिए हमें खुराक चाहिए होती है। तुमने कोई शो किया इस हवाले से? नहीं, अभी तक तो नहीं किया, लेकिन सोच रही हूँ कि कुछ करूँ। एक ख्याल है मेरे माइंड में। क्या? देखिए, आपने नोटिस किया होगा बहुत सारे चैनल्स हैं जिन्होंने इस बात पे फोकस किया, कवरेज की, हुकूमती इदारे में गए, वहां जाके लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज पता किए, एसोसिएशन के मेंबर्स से बात की, रियल विक्टिम से बात की, लेकिन अब तक किसी ने ये कोशिश नहीं की कि डायरेक्टली अप्रोच किया जाए मिस्टर रिजवान को और उनसे पूछा जाए कि ये सब कुछ क्या हुआ है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं उनसे पूछूं, लोगों के बिहाफ पे सवाल करूं। एक काम करो ना, रिजवान साहब को बुलाओ अपने शो में, लगाओ उनसे गपशप। That's what I am thinking. बल्कि क्यों ना मैं आज शाम का शो इसी बात पे करूं। I'll try to get it done. मैं एक काम करती हूँ, मैं रिजवान साहब को ऑनलाइन लेती हूँ और उनसे करती हूँ ये सवाल कि ये सब क्या है। Now I must say, you are very smart girl. This is all because of you. You are there to support me. आप हैं तो मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ सब कुछ कर पा रही हूँ। सीरियसली शाहरुख। You're welcome. थ्योरी काफी हो गई है, कुछ प्रैक्टिकल भी कर लो। जाओ अपना होमवर्क स्टार्ट करो। बिल्कुल। एक दो कॉल्स करनी है मुझे। लंच पे ज्वाइन करते हैं, ओके? बिल्कुल। बोल बाला, बोल बाला। अस्सलाम वालेकुम। हाँ 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 हाँ। क्या चेहरा है, सुभान अल्लाह, खुदा की कसम ऐसे ही चेहरे की तलाश थी मुझे। जी? आपको एक्टिंग का शौक है ना? भाई जाहिर है एक्टिंग का शौक है, तभी तो चैनल पे आई है। क्यों? जी जी। मुझे लोग मिर्जा कहते हैं। मैं यहाँ का स्क्रिप्ट मैनेजर हूँ और एक शो है उसका कास्टिंग डायरेक्टर भी। रियली? सर, फिर तो मैं बिल्कुल सही आदमी से मिली हूँ। पता है सर, मुझे एक्टिंग का शौक बचपन से ही है। तो बस यूं समझ लीजिए कि आपके शौक की तकमील का वक्त आन पहुंचा है। आइए मेरे साथ आइए। कहाँ? भाई मेरे ऑफिस में। मैं आपका ऑडिशन करूंगा, मैं ये देखूंगा कि अगर इस मिट्टी को नम किया जाए तो ये कितनी जरखेज हो सकती है। आइए 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 आइए। अल्लाह तबारक व तआला जी फरमाते हैं कि अगर तुमने रिश्क हलाल कमाया और रिश्क लाया तो मैं तेरे रिश्क में इजाफा कर दूंगा। मजा आ रहा है, खूब बिजनेस ला रहा है, वाह वाह। ठीक है, फिर अगले महीने मेरी तनख्वाह डबल कर रहे हो? ये मुलाजमीन का अजीब प्रॉब्लम है, जहाँ इनकी तारीफ की इन्होंने जबान खोल दी, मुंह खोल दिया। मेरी तनख्वाह बढ़ाओ। ओए रामकोर, अगर तू इसी तरह प्यार मोहब्बत से बात करता रहा, काम करता रहा तो तेरी तनख्वाह बढ़ाने के बारे में मैं सोचूंगा। फिर आप तशरीफ ले जाए, इसलिए कि वेस्ट इंडीज की मलका आ रही है। मुंह बना के चला गया, नौकर है ना, पागल नौकरों की तरह सोचता है। ये नहीं सोचा कि मेरे मालिक ने वेस्ट इंडीज की मलका किसको कहा? ए रुखसाना टेडी बियर वेस्ट इंडीज की मलका ही तो है। अब आई मुझे नीचे अम्मी मुझे ये हो गया। मैं भी ऐसी एक्टिंग कर रहा होता हूँ कि बड़े बड़े एक्टरों को मात कर देता हूँ। तो आपको एक्टिंग का शौक बचपन से है? जी सर। पता है सर, मुझे बचपन से ही ड्रामे देखने का बहुत शौक था और ड्रामे देखने के बाद मैं आईने के सामने खड़े होकर रिहर्सल किया करती थी।
अच्छा ये बताइए कि आपने कहीं और ट्राई किया है, मेरा मतलब है कि किसी प्रोडक्शन हाउस वगैरह में गई हैं? नहीं सर, एक्चुअली मैं अपनी स्टडीज कंप्लीट कर रही थी, इसी साल मैंने एमए का एग्जाम दिया है। आजकल फारिग थी तो सोचा कि क्यों ना किस्मत आजमाई की जाए, हो सकता है मुझ में भी कोई टैलेंट हो। देखिए अपने तजरबे की बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूँ कि टैलेंट तो आप में है, और आपका चेहरा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, चेहरा तो ऐसा है कि जब ये स्क्रीन पे आएगा तो लोग देख के दीवाने हो जाएंगे। सच? बिल्कुल, लेकिन आपको थोड़ी सी रहनुमाई की जरूरत है। तो सर आप करें ना मेरी रहनुमाई। बस जाहिर है, इसीलिए तो आपको यहाँ आने की जहमत दी है, वरना हजारों खवातीन मेरे आगे पीछे फिरती रहती हैं कि मिर्जा भाई कि मिर्जा साहब हमें आप चांस दीजिए, लेकिन ना उनकी कोई शक्ल होती है ना उनमें कोई टैलेंट होता है, तो मैं खा मखा वक्त जाया करूं। लेकिन आपकी बात कुछ और है। देखिए ये एक स्क्रिप्ट है, देखिए इसे, इसमें आपका कैरेक्टर एक ऐसी वफाशार बीवी का है कि जिसका शौहर उसे छोड़कर जा रहा है और वो उसे रोकने की कोशिश करती है, तो इन डायलॉग्स को आप भरपूर जज्बात के साथ, भरपूर एक्सप्रेशन के साथ और भरपूर एक्टिंग के साथ जरा बोल के सुनाइए। ओके सर, मैं बोलती हूँ।